गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 3.3। योर क्वेश्चन इज 0.6 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। एज यू हैव टू फाइंड द अंडर रूट अप टू टू और थ्री डेसिमल प्लेसेस, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। सो हाउ मैनी बार्स यू नीड इन द क्वेश्चन, यू हैव टू पुट थ्री बार्स इन द क्वेश्चन। क्योंकि क्लास मैंने आपको बताया था कि जितने आप बार होते हैं उतने ही हर बार का एक डिजिट आता है, तो उतने ही जो है आपके डिजिट्स आएंगे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको टोटल कितने डिजिट्स चाहिए, सिक्स डिजिट्स चाहिए, क्योंकि आपको आंसर जो है थ्री डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं, ओनली वन डिजिट इज देयर, सिक्स। सो यू हैव टू पुट फाइव जीरोस फ्रॉम योर साइड। आप फाइव जीरो अपनी तरफ से लिखेंगे क्लास, और आपका क्वेश्चन में ये फिर पॉइंट सिक्स की जगह सिक्स जीरो, फिर डबल जीरो और जीरो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको फाइव जीरो पुट करने हैं क्लास। अगर आपका फर्स्ट स्टेप में आप इसको रॉन्ग कर दो और सिक्स पर आप एक अलोन बार करके बाकी आप अगर आप बार लगाते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि जो बार पुट किए जाते हैं वो हमेशा पेयर में पुट किए जाते हैं। तो एक बार आपका सिक्स जीरो सिक्सटी का बनेगा, एक डबल ज़ीरो का, और लास्ट में। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको टोटल फाइव जीरोस जो हैं अपनी साइड से पुट करने हैं। अब क्योंकि ये ज़ीरो है तो ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा और पॉइंट की जगह पॉइंट, और इतना करने के बाद अब ये आपका क्वेश्चन जो है सिंपल हो गया, जिस तरीके से आपका नंबर बिना डेसिमल का क्वेश्चन आप जैसे करते हैं। तो ये सिक्स की प्लेस पे सिक्सटी हो गया, बाकी ज़ीरो ज़ीरो है। अब सिक्सटी से जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 49, क्योंकि 7 7 49 और 8 8 सा होता है 64, तो वो बिग हो जाएगा। सो हेयर यू विल राइट 7, हेयर यू विल राइट 7, एंड 7 7 49, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू गेट 11, देन यू विल कॉपी डाउन द नेक्स्ट जीरोस, टू जीरोस। नाउ व्हाट हेयर यू हैव टू राइट देन, 7 2 14, तो 14 एंड द ब्लैंक स्पेस। Now you can see class, this number will go by 7 now. You can multiply in the rough and you can check it ki, by which number it will go. It will go by 1029. So when you subtract this, here comes 71, then you will copy down the next zeros. When you do the double of 77, it will be 154, and now it will be go of about 4 times. Dekhiye yahan pe aapne 4 hide kiya, ye to 15 4 is 60 एंड 15 फाइव जाए 75, तो 5 से नहीं 4 से ही जाना चाहिए। इसके लिए मैंने 4 से हिट किया और ये 4 से चला गया क्लास। इन क्वेश्चंस में आपको बस ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये दीज नंबर्स आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स, तो आपको लास्ट डिजिट का भी जो है हिट करना होगा, आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर के केस में आपको पता चल जाता था कि आंसर 2 या 8 होना चाहिए या 3 या 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको हिट करना होगा। तो हिट करने के लिए वही जैसे मैंने आपको मेथड बताया था, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कर लीजिए। इसको आपने हाइड किया, इसका आपने ये हाइड किया, और इस तरीके से आपका ये जो है इधर 15 150, और ये इधर 70 का 00 भी हाइड हो गया, तो 15 और 71 है, तो ऑलमोस्ट किससे जाना चाहिए, ये 4 से। इस तरीके से एक या दो गैस करने पर ही आपका सही आंसर मिल जाएगा, और रिमाइंडर हो गया आपका 924। सो द आंसर इज रूट ऑफ 0.6 इज 0.774। व्हेन यू राउंड ऑफ इट 4 इज लेस देन 5, तो दिस विल बी 0.77। क्लास यहाँ कैलकुलेशन आपका सिर्फ ये आंसर नहीं है मेन, कैलकुलेशंस भी एग्जैक्ट होनी चाहिए, और रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा सारे बच्चों का। कल आपको मैंने होमवर्क दिया था तो उसमें सबका रिमाइंडर अलग अलग आ रहा था, और आंसर जो है सेम आप दे रहे थे, तो कैलकुलेशंस पे भी ध्यान देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नाउ लुक एट वन मोर क्वेश्चन, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 132.25। नाउ हेयर अगेन यू हैव टू फाइंड द आंसर अप टू थ्री प्लेसेस, तो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीड, यू नीड वन पेयर इज दिस, 25 का एक पेयर बन गया, और दो डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो मीन्स फोर जीरोज यू विल पुट फ्रॉम योर साइड। अच्छा, इस साइड का जो है 110 से ही होगा, तो ये और ये 1। देखिए क्लास यहाँ इस चीज़ पे ये ध्यान देना है, इसको आप 01 लिखें या 1, ये 1 ही रहेगा, और ये आपका 32 है। तो यहाँ पे आप 0 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता,
आप लिख भी देंगे तब भी वही बात है, नहीं लिखेंगे तब भी। लेकिन जैसे ये था आपका, अगर यहाँ पर आप ज़ीरो लिख रहे हो तो फिर ये 60 हो गया, अदरवाइज ये 6 है, तो ये ज़ीरो आपका कंपल्शन है यहाँ लिखने का। और इस वाले क्वेश्चन में आप लिखें या ना लिखें, पेयर करने के लिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इसका ये 32 और 1 का एक पेयर हो गया, 01 बोलें या 1 बोलें, इधर 25000। पहले बार से हम क्वेश्चन करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, माइनस किया 0, 32। 1 का डबल 2, 2 1 ज़ा 21, 21 माइनस किया, आपके पास आंसर आ गया 11 और 25। फिर 11 का जवाब आप जब आपने 22 किया, तो जब 5 से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो पूरा पूरा चला गया। तो देखिए क्लास, यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है ये खुद में ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है 11.5 का, पर इन्होंने बोला है आंसर दीजिए आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक और 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सो व्हाट वी विल डू टू जस्ट गिव द आंसर अप टू 2 प्लेसेस, हम यहाँ एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पर हमने 2 जीरोस इंक्रीज कर दिए, क्योंकि ये तीनों ही वैल्यूज़ एक ही वैल्यूज़ हैं। बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये 1 डिजिट में रिप्रेजेंटेशन है, ये 2 डिजिट्स में, ये 3 डिजिट्स में। तो इस तरीके से आपका ये जो है बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लास, मैंने जो आपको कल एक क्वेश्चन दिया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15.76, सभी ने बहुत अच्छे से करके भेजा था, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा था, कुछ ने असाइनमेंट पे अटैच किया था, लेकिन बस जो प्रॉब्लम थी वो आपके रिमाइंडर में थी, मीन्स आपने कुछ कैलकुलेशंस में सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक की थी। तो क्लास, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस में आपके सारे ऑपरेशंस अप्लाई हो जाते हैं, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और सब्ट्रैक्ट करते समय आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि एक भी छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को आपका रॉन्ग कर देगी, मीन्स अगर रिमाइंडर रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही कंसीडर किया जाएगा। क्लास, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो देखिए, जो होमवर्क वाला आपका क्वेश्चन था क्लास, दैट वाज 15.76 और मैंने उसके बाद 40 इंक्रीज किए थे, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे 6, 76 नोट किया, 3 का डबल 6, तो 6 9 ज़ा ये चला जाएगा उसके बाद। फिर आपने माइनस किया तो 69 का डबल 78, फिर ये 6 टाइम्स गया, फिर इसका जब आपने डबल लिया तो 792, फिर ये 9 टाइम्स गया और रिमाइंडर में आपके जो आएगा वो 7039 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3.96969, यानी कि 3.97, क्योंकि 9 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर जो है वो बिग हो जाएगा इस तरीके से। क्लास, मैं हर क्वेश्चन में आपको रफ शो करती हूँ, आप भी अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने आप से कीजिए, एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया फिर खुद से कीजिए, आप भी देखेंगे कि आपके भी रफ में ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं आएंगी, इससे एक या दो ज़्यादा बस आ सकती हैं, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक बार आपने इसको देख के किया, फिर बिना देखे किया 2-3 बार, आपको खुद से ही आंसर समझ में आने लगेंगे। क्लास, एक क्वेश्चन आज हम और करेंगे, दिस इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब क्लास, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है 3881, ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और इसका आपको पूरे का अंडर रूट फाइंड आउट नहीं करना है कि हम डेसिमल तक लगा के उसको ज़ीरो इंक्रीज करें, डेसिमल लगा के ज़ीरो इंक्रीज नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे कि ये जो नंबर है वो क्या बन जाए, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद द सेम प्रोसेस, हमने पहले वंस और टेंस का एक पेयर किया, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का हमने एक पेयर किया, और इस तरीके से हमें ये जो है 38 मिल गया। तो 38 हमारा पहला नंबर है, पहला पेयर है, तो 6 6 ज़ा 36, माइनस करेंगे 2 और फिर 81 आ जाएगा। 6 का डबल होता है 12, 12 को 2 से ही जाएगा, 244, 37 रिमाइंडर है। अब हमें अगर इसे पूरा सॉल्व करना होता क्लास, तो हम डेसिमल लगा के ज़ीरो बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या माइनस करना है ये बताना है। तो ये 37 हमारे पास देखिए एक्स्ट्रा आ गया, अगर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमें रिमाइंडर में क्या मिलता, ज़ीरो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 37। इट मीन्स ये यही एक्स्ट्रा नंबर है जो हमें इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो देयरफॉर 37 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3881। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3881 को 37 में से, तो आपको नंबर क्या मिल जाएगा, 3844, जो कि किसका स्क्वायर रूट होगा, इस नंबर का जो आपका आ गया है आपके पास 62।
तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 3844 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 62। तो यहाँ पे आंसर हुए आपका एक तो 37, कि 37 हमें नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, न्यू नंबर हो गया आपका 3844 माइनस करने के बाद, और इसका स्क्वायर रूट ये नंबर होगा आपके पास। इसको अब जो है अलग से आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि 3844 का आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, वो आपके पास 62 ही आएगा। आप चाहें तो इसको खुद से करके देख सकते हैं, ठीक है क्लास। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको भी चेक करके देखिए अपने आंसर को कि जो आंसर आ रहा है वो ठीक है या नहीं। 3844 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने अभी किया है, तो आप देखेंगे कि 62 ही आपके पास आंसर आ रहा है। अब ये जो फोर क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, बी सी डी और ई, इनको आप खुद से ट्राई करेंगे, कॉपी करेंगे। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, और हम इन क्वेश्चंस को फिर कल दोबारा से डिस्कस करेंगे क्लास। कीप रिवाइजिंग, कीप वेरी वेल, डू वेरी वेल रिविजन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।